कैसे हो आप सब। आज का हमारा सब्जेक्ट है ड्राइंग। आज हम करेंगे ड्राइंग। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ 4 स्क्वायर बनाए थे, उसमें अलग अलग डिज़ाइन भी की थी। ओके, तो आज हम देखेंगे कुछ शेप्स है। ओके, तो यहाँ पे हमें इस तरह का एक बॉक्स दिया है क्रॉस। तो यहाँ पे तो पहले जो हमें डॉट में दिया है, तो पहले तो हमें क्या करना है, जो स्केल का यूज़ करके हम जो ये डॉट है उसको पहले हम जॉइंट करेंगे। ओके, और पेंसिल आपको बहुत ही लाइटली चलानी है और इस डॉट को हम जॉइंट करेंगे स्केल से। स्केल के बिना आप बिल्कुल भी मत करना, ताकि जो ये स्क्वायर है बिगड़ जाएगा। ओके, आप स्केल से करोगे तो अच्छे से ये जॉइंट हो जाएगा। और पेंसिल बहुत ही लाइटली चलानी है। ओके, तो इस आप देख सकते हो, तो यहाँ पे जो आप स्क्वायर है वो बन गया है। ओके, तो इस तरह से हमें सभी जो ये बॉक्स है उसको हमें जॉइंट करना है। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने जो सभी बॉक्स हैं वो अच्छे से मैंने जॉइंट कर लिए। फिर आपको यहाँ पे कलर फिल करना है। ओके, तो पहले तो हम क्या करते हैं, जो बाकी के भी शेप्स हैं उसको हम मैच कर लेते हैं, मतलब जॉइंट कर लेते हैं। ओके, तो आपको ये जो है वो आप स्केल से नहीं हो सकता, तो आप बहुत ही धीरे से पेंसिल का यूज़ करके और आराम से आप इसको जॉइंट करोगे। ओके, तो आपको बहुत ही लाइट पेंसिल चला के और धीरे से पेंसिल चला के आपको ये डॉट्स को मैच करना है। ओके, तो यहाँ पे जो तीनों शेप्स थे उसको मैंने जॉइंट कर लिया है। अब जो फर्स्ट वाला बॉक्स है उसमें कौन सा कलर है, रेड। ओके, तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट में है रेड, तो यहाँ पे हमें रेड कलर करना है। तो आप कैसे रेड कलर करेंगे, तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो ये पॉइंट होता है पॉइंट का यूज़ करके हम पहले बॉर्डर बना लेंगे, ताकि कलर बाहर ना निकल सके। ओके, तो पहले तो हम बॉर्डर आउटलाइन बना लेंगे। ओके, ये बॉर्डर बना ली, फिर हम अंदर इस तरह से कलर फिल कर लेंगे। जब भी आप कलर फिल करो तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको आउटलाइन मतलब बॉर्डर ही बना लेनी है। तो यहाँ पे देख लो, मैंने इस तरह से कलर फिल किया है, फिर से इसको हम बॉर्डर बना लेते हैं। जो आउटलाइन है वो वहाँ पे कलर फिल कर दिया मैंने। ओके, अब हम अंदर कलर करेंगे। ओके, तो ये बॉक्स भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो वैसे ही हमें बाकी के भी पिक्चर जो शेप है उसमें भी कलर फिल करना है। जो नीचे वाला है वहाँ पे ब्लू कलर करना है, तो इसका भी हम यहाँ पे इस तरह से पहले आउटलाइन बना लेंगे बॉर्डर। फिर हम अंदर कलर करेंगे। ओके, तो ये हमारा कलर हो गया फिल। ओके, वैसे ही हम इसके भी बॉर्डर बना लेते पहले। ओके, बॉर्डर बन गई, अब हम अंदर कलर फिल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी ये हो गया। अब हम नेक्स्ट वाला जो नीचे है वहाँ पे कलर फिल करेंगे। जो नेक्स्ट है उसमें है येलो कलर। ओके, यहाँ पे येलो कलर करना है, तो यहाँ पे हम पहले बॉर्डर बना लेते हैं और फिर हम करेंगे इसमें येलो कलर। ओके, तो ये हो गया येलो कलर। तो
यहाँ पे हमने येलो कलर कर लिया। जो फर्स्ट था उसमें है रेड कलर, सेकेंड है उसमें है ब्लू, और ये जो थर्ड वाला स्टेप्स कर रहे हैं उसमें है येलो कलर। फिर जो नेक्स्ट पेज में है वो वहाँ पे इसे से ट्रायंगल है। ओके, तो इसको भी पहले हमें मैच, मतलब जो डॉट है उसको हम ज्वाइंट करेंगे। ओके, तो हम कैसे करेंगे, तो पहले तो हम इसको पेंसिल से मैच कर लेंगे, जो डॉट है उसको ज्वाइंट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने इसे से ट्रायंगल को कर लिया है ज्वाइंट। ओके, फिर वैसे नीचे है ये क्लाउड। तो इसको भी हम इससे से मैच कर लेंगे डॉट को। ओके, तो ये भी हो गया। ओके, फिर नीचे है ट्राइंगल। ओके, तो इसका हम इससे स्केल से करेंगे मैच। तो ये हमने जॉइंट कर लिया। अब हमें इसमें कलर फिल करना है, तो ये वाला जो है वहाँ पे हमें रेड कलर करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेड कलर है, तो इसमें रेड कलर आएगा, यहाँ पे ब्लू, और जो ये वाला ट्रायंगल है इसमें आएगा येलो। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आपको कलर फिल करना है बाकी सब में भी। फिर नेक्स्ट है कुछ इस तरह से का स्टेप। तो यहाँ पे तो हमें पहले जो ऊपर नीचे जो स्लिपिंग लाइन है उसको हम स्केल से करेंगे। फिर जो साइड वाला है वो है उल्टा सी और ये। ओके, तो हम पहले इससे इसको जो डॉट है उसको हम ज्वाइंट करेंगे। ओके, ये हो गया। फिर ये है हाफ सर्कल। तो यहाँ पे पहले हम स्केल से जो नीचे वाली लाइन है उसको हम ज्वाइंट करेंगे, फिर जो हाफ सर्कल है उसको हम लाइटली पेंसिल चला के ये कर दिया कंप्लीट। ओके, वैसे ही सेकेंड वाला करेंगे। फिर ये है ओके, फिर लास्ट वाला है जो वाटर का, मतलब जो बारिश की बूंदे होती है ना, उस तरीके का ये डॉट है। हम कभी भी पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से हम बनाते हैं ना पानी की डॉट, वैसे ही ये वाला। तो इसको हम डॉट को ज्वाइंट करेंगे। ओके, फिर इसमें भी हमें कलर दिया है, जो फर्स्ट वाला पिक्चर है उसमें यहाँ पे आएगा रेड कलर, ये है ग्रीन कलर और ये है येलो कलर। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने एक एक करके दिखाया है कि यहाँ पे येलो कलर, ग्रीन एंड सॉरी रेड ग्रीन एंड येलो। ओके, तो जो मैंने तीन पेज अभी करवाए अलग अलग स्टेप्स है, तो वो तीनों पेज आपको कंप्लीट करने हैं, जो पेज नंबर थे 6, 7 एंड 8। तो ये तीनों पेज आपको पहले पेंसिल से सभी डॉट्स को ज्वाइंट करना है, और वहाँ पे जो दिखाए हैं वही सेम हमें कलर फिल करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ न्यू ड्राइंग।